हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में ग्लूकोन डी के बारे में कई बातें जानेंगे, जैसे कि हमें इंटेंस एनर्जी देता है या फिर वर्कआउट के टाइम हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर हमें मसल बिल्डिंग या मास बिल्डिंग में मदद करता है या वगैरह वगैरह। चलो आज वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमें इसका लेबल ही पढ़ेंगे कि लेबल में क्या लिखा रहता है, क्योंकि लेबल से ही हमें समझ में आता है कि इसमें क्या क्या है। चलो सबसे पहले कंटेंट के बारे में देखते हैं क्या क्या लिखा है। न्यूट्रिशन वैल्यू, आप देखो एनर्जी लेवल कितना हाई है इसमें, 129 किलो कैलोरी। आप ये 2-3 रोटी खाओगे तो उसके मुकाबले आप, प्रोटीन 0 है। कार्ब्स देख लो आप कितने, फैट, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन सी। उसके अलावा नीचे लिख रखा है सुग्रोज, ग्लूकोज, एसिडिटी रेगुलर, ये भी मतलब एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन मिनरल्स देखो आप, कैल्शियम फॉस्फेट है और कॉमन एडिबल साल्ट, विटामिन सी और कलर है। देखें आपने, कलर भी है इसमें। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें, इसके बारे में आज जानेंगे कि सच में ये हमारे लिए ज़रूरी है, इंस्टेंट एनर्जी देता है और सच में ये ज़रूरी है बॉडी बिल्डर्स के लिए। चलो आज जानें। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, जो टैंगी ऑरेंज फ्लेवर है, तो फ्लेवर अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट भी बढ़ेंगे। जैसे सुग्रोज बढ़ गया है, ग्लूकोज की क्वांटिटी कम कर दी उन्होंने, देख सकते हो आप यहाँ पे, इधर ग्लूकोज 40% है तो 56% है। तो मिनरल्स ऐसे ऐसे बढ़ा देते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं। आप प्रोटीन देख लीजिए और शुगर तो आप देख ही लीजिए कितना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गाइस इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप इनटेक करते हो ग्लूकोज, ये ग्लूकोन डी, तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है, क्योंकि इसमें सुग्रोज, फ्रक्टोज, ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि आपके ब्लड शुगर को इंक्रीज़ कर देते हैं। ग्लूकोज भी रहता है, ग्लूकोज डायरेक्टली एंजाइम के थ्रू आपके ब्लड में चला जाता है, जो कि आपको एनर्जी देता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा या एक घंटे के लिए एनर्जी मिलेगी, जो कि डिप्लीट हो जाती है जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं। मैं इस वीडियो में बताते हैं ग्लूकोन डी किस काम आता है। आपको जैसे कि आप हर कोई ग्लूकोन डी इसलिए लेते हैं कि उसकी एनर्जी बूस्ट हो सके और रिकवरी जल्दी हो सके, रिफ्रेश फील कर सके। और इसी कारण इसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे डेक्सट्रॉक्स होता है इसमें, डेक्सट्रॉस, जो कि एक तरह का ग्लूकोज ही होता है। और डायरेक्ट ग्लूकोज आपको पता है पहले डाइजेस्ट होता है, फिर ब्लड शुगर में कन्वर्ट होता है। ब्लड शुगर को ही ब्लड ग्लूकोज कहते हैं, ब्लड ग्लूकोज को ही बाद में हमें एनर्जी देता है ग्लूकोन डी। इसमें एसेंशियली हमें मोनो सैचरेट्स होता है, जो कि ग्लूकोज ही होता है। और ग्लूकोज आपको पता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, अभी याद किया है तो इसलिए सही बोल पा रहा हूँ, नहीं तो याद नहीं था। तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता है एनर्जी में, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है हमें, डायरेक्ट ब्लड में मिलता है ग्लूकोज, तो हमें इससे एनर्जी मिलती है। ये हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज भी कर देता है एंड बाय द टाइम ऑफ वर्कआउट ये डिक्रीज भी होता है। गाइस मैं आपको एक बढ़िया बात बताना चाहता हूँ कि जो पहले डाबर का ग्लूकोज आता था उसमें 99.4% ग्लूकोज होता था, और जो कि अब आज के फ्लेवर आ रहे हैं टैंगी, लेमन वगैरह इन सब में, तो इनमें मिनरल्स तो बढ़ाए हैं पर इतना मिलीग्राम्स में बढ़ा दिए हैं आप। और आप उसके बाद देखो सुग्रोज, फ्रक्टोज, ये सब चीज़ें, शुगर की जो चीज़ें, कार्ब्स, फैट, ये सब ज़्यादा हो गया। तो मतलब इनडायरेक्टली आप फैट ओ आप ग्लूकोज को देखोगे तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो चुकी है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो आप फैट्स और कार्ब्स और शुगर पे देखो कितना कितना है। कार्ब्स 92 ग्राम, आपको क्या लगता है कार्ब्स डायरेक्ट मिल रहे होंगे आपको, ये सब शुगर से मिल रहा होगा आपको। और शुगर भी देखो 56 ग्राम है, तो मतलब कि आप देख ले सकते हो कि कितना कुछ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो सुग्रोज होता है वो डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होता, वो पहले डाइसैचराइड होता है, फिर मोनोसैचराइड होता है, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फ्रक्टोज आप मतलब जितना भी फ्रूट्स खाते हो, वो गुड कार्ब्स खाते हो, तो उसमें फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज आप खाओगे तो डायरेक्ट वो फैट में कन्वर्ट होता है जल्दी ग्लूकोज से। आपके ग्लूकोज भी डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट होता है, तभी आप देखो जितनी आप ज़्यादा चीनी खाते हो या जितना आप मीठा खाते हो, तो आप देखते हो कि उसके आसपास बेली फैट बन जाता है। तो बेली फैट इन द सेंस पेट के आसपास चर्बी बन जाती है, चर्बी जिसे कहते हैं। तो आप ये सब देख सकते हो कि कई लोगों की फैट हटते नहीं, क्योंकि वो इंटेक शुगर ज़्यादा रखते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं रखते अपने बॉडी के इंटेक वर्कआउट के टाइम। तो मैं आपको ये सब बताऊंगा कि हमें क्या खाना है, इसका रिकमेंडिंग, और फाइनली डिसीजन बताऊंगा कि ग्लूकोन डी सही है या नहीं है मेरे हिसाब से। गाइस अभी तक जितना भी आपने देखा होगा कि ग्लूकोन डी ज़्यादातर मैराथन के टाइम यूज़ होती थी, मतलब जो बच्चे इंटेंस नहीं सिंपल आउटडोर गेम खेलते थे, बाहर जाके खेलते थे, या फिर दोस्तों साथ 4-5 घंटे खेलते थे, वो अपने बोतल ले जाते थे खेलने के, पानी में ग्लूकोन डी मिला के। मतलब मैंने ज़्यादातर देखा है तो बच्चे सिर्फ वही यूज़ करते हैं, चिल्ड्रंस या फिर एथलीट जो कि रनिंग करते हैं, मैराथन करते हैं,
या तो फिर साइकिलिंग करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वॉकिंग मेरे को लगता है ये सब चीज़ें सिर्फ उसी टाइम यूज़ होती हैं जब आप लॉन्ग रनिंग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हो। फिर समर होता है जब इंटेंस वर्कआउट करते हैं, पसीना स्वेट उस चीज़ के लिए रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए ले लेते हैं। मैक्सिमम बच्चे जब समर में वर्कआउट करते हैं तो सोचते हैं ग्लूकोन डी ले लेना चाहिए कि इससे थोड़ा ग्लूकोज एनर्जी मिलेगा और प्लस स्वेटिंग कम हो जाएगी। तो आई थिंक समर में ही मैक्सिमम लोग इसको प्रेफर करते हैं, ना कि सर्दी। समर में क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों? समर में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो हीट स्ट्रोक लगता है सर पे, तो पसीना इतना आता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में इतना लेवल नहीं होता शुगर का कि भाई एनर्जी मिल सके, तो पानी मिल जाए या फिर ग्लूकोन डी मिल जाए, तो थोड़ा बहुत आप उस लिए आपको उस पीरियड में थोड़ा एफर्ट दिखाना पड़ता है, रनिंग करनी पड़ती है, मसल्स को ज़्यादा दौड़ाना पड़ता है, ना कि आपको ब्रेक करना पड़ता है। और फाइनली दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ कि ये शायद बॉडी बिल्डरों के लिए ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है, देखो बॉडी बिल्डिंग के टाइम आप, बॉडी बिल्डिंग मतलब इन द सेंस आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, अपने हैंड को पंप कर रहे हो, किसी चीज़ को भी पंप कर रहे हो, मसल्स को पंप कर रहे हो या आर्म को पंप कर रहे हो, तो आपको ये लगता होगा कि ग्लूकोन डी ले लेना चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा ले लेना चाहिए जिससे कि आपके वर्कआउट में थोड़ा एनहेंस हो सके। मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर ना लें, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर बिल्कुल ना लें, बिल्कुल शुगर ना ही लें उस टाइम वर्कआउट के टाइम, क्योंकि शुगर को कन्वर्ट होने में टाइम लगता है और दूसरी बात शुगर फैट में जल्दी कन्वर्ट होता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ना ही लें ग्लूकोन डी बॉडी बिल्डिंग के टाइम या फिर आप इंटेंस वर्कआउट करते हो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता करंट चाहिए बॉडी में, बॉडी में करंट कैसे आएगा, आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट वाटर और ऐसे आप चीज़ें चाहिए, आपको ऐसे अमीनो एसिड्स चाहिए, एसिड्स लाइक ल्यूसिन जो आपको BCAA दे सकता है, और बाकी के आप फूड से भी ले सकते हो, प्रोटीन से भी मिल सकता है, लेकिन आपको अगर इन वर्कआउट के टाइम और बिफोर और आफ्टर भी लेना है तो मैं आपको कहूँगा BCAA ले सकते हैं, या फिर आप नींबू पानी ले सकते हो या WHO ORS भी ले सकते हो, कि WHO ORS में इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि हमने पढ़ा है 10 के टाइम यूज़ होता है, लेकिन आपको मैं सही चीज़ बता रहा हूँ कि आप लिक्विड फॉर्म में लो इलेक्ट्रोलाइट, वो वाला WHO ORS, वो बहुत सही रहता है, उसमें शुगर नहीं रहता, सिर्फ साल्ट रहता है, और उसमें पंप करने के लिए बहुत सही चीज़ रहती है, क्योंकि आपको ही पता है साल्ट से ही बॉडी में करंट दौड़ता है, नींबू पानी पीने से थोड़ा आपको रिफ़्रेश भी लगेगा आपको ये सब। लेकिन गाइस, कई लड़के ऐसे होंगे जो एथलीट बनना चाह रहे हैं पर उनको कुछ काम ज़्यादा करते नहीं हैं, और लेकिन उनको थकान होती रहती है, और उनको बाई चांस थकान भी हो रही है और ब्लड शुगर लेवल भी डिक्रीज़ हो रहा है, उसका मतलब उनको जेनुअली कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उनको तो छोड़ ही दो। लेकिन जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो इंटेंस, आपको लगता है कि आपको एनर्जी की ज़रूरत है उस टाइम, आप पानी पिए सिंपल, या आप नींबू पानी पिए, या आप इलेक्ट्रोलाइट लाइक WHO ORS ले सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो आप BCAA ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको डेली लेना है, लेकिन आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं जिससे कि आपका थोड़ा बहुत एनहेंस हो सके, आपके मसल का ग्रोथ हो सके, प्लस आपको ज़्यादा पावर मिल सके। ठीक है गाइस, आपको पावर भी लेनी है, आपको फैट नहीं इंक्रीज़ करना है, ठीक है? तो आप ये थोड़ा सोच के रखकर, कार्ब्स ही आपको एनर्जी देते हैं, शुगर भी देता है मैं मानता हूँ, लेकिन शुगर कन्वर्ट होता है पहले फैट में, ठीक है ना? आपको ये सब चीज़ें देखनी है, शुगर तो मतलब मैं मना ही करूँगा, लेकिन आप क्योंकि शुगर आप डायरेक्ट, एक तो आप सॉलिड फॉर्म में लोगे और डायरेक्ट आप जब खाओगे तब भी कार्ब्स शुगर में कन्वर्ट होते हैं एनर्जी के लिए, और लेकिन जब आप नॉर्मली आप फ्रूट्स खाते हो वो भी शुगर के होते हैं, तो उसमें भी फैट्स कन्वर्ट होगा तो भी एनर्जी मिलेगी। तो मैं आपको बोलूँगा नहीं कि आप ये लो क्योंकि इसमें शुगर ज़्यादा है और शुगर वाली चीज़ें हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इंटेक नेचुरली लेना है, और दूसरी बात अगर जब हमें लेना ही है इलेक्ट्रोलाइट टाइप तो हम नींबू पानी पियेंगे या फिर WHO ORS या फिर BCAA ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सब सही सही रखता है। इस वीडियो में मैं आखिरी में आपको बता देता हूँ, एक्सेस यूज़ जब आप करोगे इस चीज़ का, ओवरडोज लोगे तो आपका लो ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी में क्या होगा ऑटोमेटिकली कि इंसुलिन ज़्यादा जनरेट होगा, वो चाहेगा कि आपका जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा डिप्लीट हो जाए, टूट जाए, काम करना शुगर को कम करे, तो इसलिए ओवरडोज ना लें इसकी ग्लूकोन डी का। मैक्सिमम आप आधा चम्मच ले सकते हो, सिर्फ उनको बता रहा हूँ जिनका मन है पीने का, वर्कआउट वाले को नहीं कह रहा हूँ मैं, जो अच्छा इंटेंस वर्कआउट करते हैं प्लीज़ मत लो, अपनी बॉडी को मेंटेन रखो गाइस, क्योंकि आपको अगर बाई चांस चैम्पियन बनना है या फिर कुछ अच्छा दिखना है किसी में तो आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत लिमिटेशन भी रखनी पड़ेगी कि ये चीज़ें सब चीज़ें ना खाएं प्लीज़ गाइस। तो मैं यही कहता हूँ कि आप जितना आप इन चीज़ों से दूर रहोगे शुगर वगैरह से, क्योंकि नेचुरल भी आप खाते हो फिर बाद में आप सॉलिड फॉर्म में भी खाओगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, आपको वर्कआउट के टाइम, प्री वर्कआउट के टाइम क्या खा सकते हो, आप 80% कार्ब्स खा सकते हो आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले, और 20% प्रोटीन।
कार्डियो के बारे में बात कर रहे थे, कार्डियो में आप जब वर्कआउट करोगे तो कार्डियो के टाइम आप एप्पल खा सकते हो आधे घंटे पहले, या पटैटो खा सकते हो। मैं को आपको सही चीज़ बताऊँ सस्ती, आप आधे घंटे पहले या 45 मिनट पहले एक तो ब्लैक कॉफ़ी पी लो, या फिर आप तो आप दोनों चीज़ भी खा सकते हो। आप केला भी खा सकते हो, केला छोड़ो, आप सिंपल आप पटैटो ले लेना, आलू खा लेना बस एक। और आप अगर रनिंग वगैरह करते हो या फिर थोड़ा आप केला भी खा सकते हो, क्योंकि केला में कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, तो आप ये खा सकते हो। तो आप मैं आपको तीन चीज़ें बताता हूँ प्री वर्कआउट से पहले। आप पोटैटो खा सकते हो आधे घंटे पहले, बनाना भी खा सकते हो, एप्पल भी खा सकते हो, जो दोनों जो घर में अवेलेबल है वो खा लो। आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी कुछ नहीं है, सिंपल आपको कॉफ़ी लेनी है, पानी में गर्म करना और पी लेना है आपको। ये भी काफ़ी इंटेंस वर्कआउट के टाइम आपको एनर्जी देगा। गाइस एक एक्सपेरिमेंट करना घर पे, आप ग्लूकोन डी लेना, अब उसको यूज़ करना जैसे भी आप वर्कआउट के टाइम करते हो कहीं भी, आप उसको यूज़ करके देखना कि आपको फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा। और दूसरी बात आप ये ज़रूर चेक करना कि आप एडिक्शन हो रहे हो या नहीं हो रहे, क्योंकि आप एडिक्ट हो रहे हो उस चीज़ को तो उसका मतलब वो बॉडी पे काम नहीं कर रही, आपको मज़ा आ रहा है, सिंपल सी बात है। और आप एक नींबू पानी पी के देखना, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा लेकिन वो काम करता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको पता है नींबू में विटामिन सी होता है, विटामिन सी तो मिलेगा मिलेगा, दूसरी बात इलेक्ट्रोलाइट भी मिलेगा क्योंकि पानी के साथ है। ठीक है ना गाइस, तो प्लीज़ एक्सपेरिमेंट करो एक बार, देखो कैसा लगता है। दूसरी बात एडिक्शन मत बनाओ, क्योंकि आपको पता है मसल सिर्फ प्रोटीन से बनता है और कार्ब से सिर्फ हमें एनर्जी मिलता है उस टाइम के लिए, तो आप थोड़ा ध्यान रखो। और ठीक है गाइस,